ठंड ज़्यादा हो गई है थोड़ी सी, तो अभी हमने यहाँ पे तकरीबन एक घंटा गुजार लिया है, पूरे मज़े किए यहाँ पे और फोटोज़ वगैरह खींची है हमने बहुत बढ़िया बढ़िया, जो कि आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिलेंगी। बहुत बढ़िया बढ़िया फ़ोटो आई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है भाई। तो अभी हम वापस जाने लगे हैं, तो तकरीबन सारे लोग वापस जाने की तैयारी करने लगे हैं यहाँ पे। तो हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, मैं तो भाई ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ, तो इसलिए हमने तो भाई फुल एंजॉय किया, बच्चों जैसी हरकतें भी की है हमने। तो भाई VSV89 मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। हम काफ़ी जल्दी आ गए थे वैसे, उस टाइम कोई भी नहीं था, तो अभी देखो यहाँ से टूरिस्ट कितने ज़्यादा आ गए यहाँ पे। वाह, और यार बादल देखो, अब अंधेरा कर दिया बादलों ने, तो अभी हम चलते हैं यहाँ से वापस। चल 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 चल, चलो यार वापस चलते हैं अब। हाँ जी पहुँच गए सर। तो यार देखो हम वहाँ से अभी उतरे हैं, इतना डिस्टेंस हमने अभी कवर किया है, तो शायद अभी आधे से ज़्यादा और है वापस जाने के लिए। आहा, नीचे उतरते समय इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही जितना चढ़ते समय हुई थी। वो देखो हम वहाँ से आए हैं, वो पहाड़ी तो मैं बता रहा था ना ऊपर कि वो पहाड़ी थोड़ी देर तक बादलों से पूरी कवर हो जाएगी, वैसे ये बादल बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हम तकरीबन आधे से ज़्यादा रास्ता उतर चुके हैं। तो यहाँ से देखो बादल देखो, हाँ। तो दोस्तों हम सही सलामत अपनी बाइक के पास पहुँच गए हैं, शुक्र है हमारी बाइक भी यहाँ पे सलामत थी। हिमाचल में वैसे लोग आपकी जहाँ पे चीज़ पड़ी है ना वहीं पे रहेगी, ये हमें होटल वाले ने बताया था, तो इसलिए हम यहाँ पे बाइक खड़ी करके गए थे अपनी, तो एक भी स्क्रैच नहीं है कुछ नहीं है हमारी बाइक के ऊपर। तो अभी चलते हैं, आपको मिलते हैं जाके अपने रूम में, तो शायद हम वाटरफॉल भी जाए है ना, चलो वो रूम पे पहुँच के देखते हैं वाटरफॉल जाना कि नहीं, क्योंकि हालत थोड़ी सी ख़राब है, बाकी देखते हैं। तो अभी हम अपना त्रिवेणी ट्रैक कंप्लीट करके आ गए हैं अपने रूम में, तो फिलहाल 10-15 मिनट की रेस्ट करके हम जाएंगे वाटरफॉल, तो वाटरफॉल से तकरीबन हमें एक घंटा या डेढ़ घंटा लगेगा आने जाने में, है ना, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 10-15 मिनट की रेस्ट लेंगे हार्डली, तो उसके बाद चलते हैं वाटरफॉल की ओर। और हमारी हालत अभी ठीक नहीं है फिर भी, तो टांगों की हालत है ना जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, तो अब हम रात को ही रेस्ट करेंगे। वो वहाँ पे वाटरफॉल का नज़ारा, तो कल हम रात को यहाँ पे आए थे लेकिन कुछ नहीं दिख रहा था, तो इसलिए हम दोबारा आए हैं यहाँ पे,
क्या व्यू है यहाँ से, वाओ। तो अभी देखते हैं वहाँ से, वहाँ पे जाके, क्योंकि रात हम गए थे कुछ भी नहीं दिख रहा था। सुपनीत की हालत क्या है? तो ये वाटरफॉल का मेन पॉइंट। अरे अभी तो यहाँ पानी नहीं है, हम कल जब रात को आए थे ना तो यहाँ पे बिल्कुल पानी था, भरा हुआ था ऊपर। अभी कुछ नहीं है यार, सूखा हुआ बिल्कुल। वहाँ से 11 बजे पानी। ओहो हो, तो भाई ये है यहाँ का वाटरफॉल। यार आज पानी कम है, हम कल रात को आए थे ना, पानी यहाँ पूरा भरा हुआ था और यहाँ से भी बिल्कुल पानी निकल रहा था। यहाँ से व्यू देखो आप, कितना प्यारा व्यू है यार। अभी हम यहाँ से वापस हो रहे हैं, तो वाटरफॉल भी हम ज़बरदस्ती आ ही गए, हमारी हालत तो नहीं थी बिल्कुल भी आने की। यार मज़ा आ गया वैसे ना इस ट्रिप का हमें पूरा। तो यहाँ पे ये मैक्लोडगंज में यही वाटरफॉल जो है फेमस है, वो तो टूरिस्ट यहाँ पे पूरे आते हैं घूमने फिरने के लिए, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं। थोड़ा पानी कम था अभी, चलो कोई बात नहीं, देख तो लिया। तो चलो अभी चलते हैं हम फिर अपने रूम में, चलते हैं थोड़ी रेस्ट करते हैं। एक तो हम ट्रिम ट्रैक करके आए हैं अभी, तो हमारी हालत बहुत ज़्यादा, इसका तो बैंड बज रखी है पूरी ये बेचारा बोल भी नहीं रहा, यहाँ भी मैं इसको जबरदस्ती लेके आया हूँ भी। चलो अभी आए हैं तो यार 10-15 मिनट का रास्ता है, कवर करते हैं और चलते हैं। मैक्लोडगंज है ही बादलों से भी ऊपर, तो यार बादल देख के क्या सोच नहीं पा रहा हूँ यार, क्या चीज़ है ना, ये पहाड़ है कि बादल है। दोबारा से देखो अब, हम अभी बादलों के भी ऊपर है भाई। तो दोस्तों कल मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, बाय बाय।